जम्मू कश्मीर की सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू की इमाम रजा मरकजी मस्जिद भटिंडी में शिया फेडरेशन ने जाफरी काउंसिल के इश्तराक से 12 जोड़ों की इस्तेमाई शादी का एहतमाम किया। शिया फेडरेशन जम्मू के सदर आशिक हुसैन ने कहा कि मौजूदा हालात में महंगाई, जहेज व दीगर दुश्वारियों के बायस इनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। गरीब और मुफलिस वालिदैन अपनी बच्चियों की शादियां कराने से कासिर हैं। इन मसाइल के पेश नज़र हमने जाफरी काउंसिल की मदद से इज्तिमाई शादी ब्याह की एक मजलिस मुनाकिद की और अल्हम्दुलिल्लाह 12 जोड़ों की शादियाँ एक मजलिस में कराई गई। जाफरी काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का चेयरमैन हूँ और यहाँ पर आए हैं हम लोग 12 जोड़ों की शादियाँ यहाँ जम्मू के अंदर कराने के लिए। और इससे कबल जो है हमने टोटल 438 जोड़ों की शादियाँ आज तक करवाई हैं और ये सारे हम लोग मिलकर कराते हैं। हमारे गुजरात के दोस्त और हम कश्मीर के मिलकर ये शादियों को अंजाम देते हैं और पिछले 2015 से ये शादियाँ कंटिन्यूसली हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें 2015 में नौगाम साइड में करवाई थी और फिर अमर सिंह क्लब में करवाई थी, फिर आज मतलब यहाँ जम्मू के अंदर करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी आंकड़ा हमारा जो है 438 से ऊपर चला गया है, तो इंशाल्लाह ये आगे भी हम जारी रखेंगे। ये हम लोग जोड़े, ये सुन लेना अच्छी तरीके से, हम जोड़े बनाते नहीं, ये उनके पेरेंट्स बनाते हैं जोड़े। वो खुद मतलब तय करते हैं रिश्ते और जब रिश्ते तय करते हैं फिर ये मंगनी करवा देते हैं, फिर उन बाप को ताकत नहीं होती है कि वो शादी करवाए, तो उस वक्त हमारे वॉलंटियर लोग जाते हैं घरों में, देखते हैं, निशानदेही करते हैं और जब उनको निशानदेही में आ जाता है कि किस जगह पर कितने जोड़े हैं, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में, तो उसी तरीके से हम लोग शादी करते हैं। इस मौके पर गरीब और यतीम जोड़ों ने नई जिंदगी के आगाज पर मसरत का इजहार किया। गरीब बेटियों को बाइज्जत रुख्सत किया गया और उन्हें शादी ब्याह के जरूरी सामान भी दिए गए। मेरा नाम नाजिया कोसर है, मैं पूंछ से हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर इंसान को सोच समझ के, सबसे पहले तो सोच समझ के सब काम करने चाहिए, उसके बाद अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसको एनजीओ से या किसी न किसी मदरसे से किसी अपने से रابطہ करना चाहिए। और जो भी लोग गरीब हैं उनके घर के पास जो मुलाजिम लोग रहते हैं, जो जॉब करते हैं, उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए गरीब लोगों की। और अपना अपना सब लोग जो भी कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, सबको देना चाहिए। मैंने हस्बैंड को मैंने खुद भी पसंद किया और घर वालों ने भी पसंद किया। मैं पहले घर वालों ने देखा, उसके बाद मैंने खुद पसंद किया। मेरी मर्जी से हो रही है शादी। जी मेरा नाम सैयद इफ्तिखार जाफरी है और मैं पुंछ से हूँ। जी हाँ जी, आज यहाँ पर शादी इज्तिमाई शादियाँ हुई यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर कम से कम 12 निकाह हुए हैं आज। जी जाफरी काउंसिल की जानिब से बिल्कुल। जी जी, अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर देखा जाए तो सादगी से निकाह करना चाहिए, जो नबी की सुन्नत है, और मौला अली अलैहिस्सलाम और जनाब फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी ऐसे ही हुई है, बहुत ही सादगी। नौजवान ये हैं, बोलते हैं हमारी जॉब नहीं है, हमें सेटलमेंट नहीं है, और जब तक 8-9 लाख रुपया नहीं होगा हम शादी नहीं कर सकते। तब अल्लाह ने कहा, अल्लाह के रसूल कह रहा है आप निकाह करो, कर्म करने वाले हम हैं, आप निकाह करो, हम अता करने वाले हैं। तो हमारा ईमान ही नहीं है, मैं चीज़ जो हमारी ईमान ही कमज़ोर है, हम सोचते हैं कि हमारे पास हम शादी किससे कर रहे हैं, फर्नीचर से शादियाँ कर रहे हैं, पैसों से शादियाँ कर रहे हैं। आज हमारे नौजवान ऐसे ही घूम रहे हैं, गुनाहों में मुबतला हैं, आज नशे कर रहे हैं। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में जोड़ों के नज़दीकी रिश्तेदार, उलमा इकराम व दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जाफरी काउंसिल के सरबरा हाजी साद मुसद्दिक ने कहा कि देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये वाज़ा कर देना चाहता हूँ कि 21-2014 नवंबर को इस जाफरिया काउंसिल की जो है डाक बेल डाली गई थी, जिसमें जो सईद मुसद्दिक हुसैन साहब उड़ी से हैं वो चेयरमैन हैं, तो मुझे उन्होंने जम्मू कश्मीर का वाइस चेयरमैन बनाया और बहुत सारे हमारे जोमों उसमें हैं। तो हमने एक शादियों का सिलसिला जो है ये एक शुरू किया है। इसमें स्पॉन्सर जो करते हैं वो हमारी गुजरात की एनजीओ है। तो 2017 में हमने ये जब शुरू किया तो हमने कश्मीर में कम से कम 400 कुछ अभी तक आज डाल के 12 शादियां डालकर 438 हो गई हैं। तो मैंने उनको कहा था वहाँ पिछली बार नवंबर में जब वहाँ हुआ अमर सिंह कॉलेज में, तो मैंने कहा जम्मू के अंदर भी हमारी बहुत ये गुरबत है, जम्मू एक इलाका ऐसा है कि जहाँ सभी लोग एक गुलदस्ते की तरह हम रहते हैं, तो क्यों ना आप सब लोग वहाँ भी शादियों का प्रोग्राम रखें ताकि वहाँ भी हम शादियाँ कर सकें। तो हमने फिर उन्होंने माना, गुजरात वालों ने कहा कि हम आपको 12 शादियाँ आपको दे देंगे।
तो इंशाल्लाह इस साल 12 हुई है, अगले साल हम 50 60 70 100 तक भी जा सकते हैं, जूं जूं हमें ये और इसका रिस्पांस मिलेगा, जोड़े मिलेंगे तो हम अगले साल। हमने ये शुरुआत की इसलिए की कि यहाँ से एक मैसेज जाएगा पूरी जम्मू प्रोविंस में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हिंदुस्तान में, आपके माध्यम से, आपके मीडिया के जरिए से एक पैगाम जाएगा कि यहाँ सभी जो है ये शादियाँ, जो गरीब जो है, जो ये बरसर रोजगार नहीं है, जिनको रोजी रोटी का कोई गुजारा नहीं है, शादियां तो बड़ी दूर की बात है, आजकल दुनिया में जो है दिखावा है, डावरी मांगते हैं, जहेज मांगते हैं, जो नहीं दे पाते हैं, ये लोग जो शादियां हमने 12 की हैं, अगर आप वहां जाना चाहें, आप मेरे ख्याल में आप नहीं जा पाएंगे, ये जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में गुरसाई है, नाला गुरसाई, मेंढर है, सोनकोट है, ये वहां से लोग आए हैं, और एक मुकामी यहाँ बर्मा का है, उसने हमें अप्रोच किया, और किसी ने अप्रोच नहीं किया, क्योंकि अभी लोगों को मालूम नहीं था, अब लोगों को आपके जरिए से मालूम पड़ेगा, मीडिया के मालूम से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें बिला लिहाज मजब मिलत, हमें आगे जाकर जो जो भी आएगा हम उनको अडाप्ट करेंगे, उनकी शादियाँ करेंगे, और आज की जो शादी है इसमें शिया फेडरेशन का एक अहम रोल अदा रहा, और यहाँ अंजुमन हुसैनी जो है उसमें उनका भी रोल रहा, जिन्होंने आप यहाँ इंतजाम किए, मैं आप सबका मशकूर हूँ, और बिलखसूस मैं अपनी जो मेयर, जो डिप्टी मेयर है एडवोकेट पूर्णिमा जी, उसका बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें तमाम म्यूनसिपलिटी के जो इंतजाम यहाँ थे, हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हमें ज़रूरत थी, सफाई, पानी, बिजली और मोबाइल गाड़ी, वो उनने मैसर किया हमें, मैं उनका तहे दिल से बड़ा मशकूर हूँ, अपनी शिया फेडरेशन, अपनी उजमन, तमाम आवाम की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से उसका मशकूर हूँ। इन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में महंगाई, जहेज व दीगर दुश्वारियों के बायस हमारी कई हज़ार लड़कियाँ उम्र की हदें पार कर चुकी हैं, गरीब और मुफलिस वालिदैन अपनी बच्चियों की शादियां कराने से कासिर हैं। इसी सिलसिले में हमने इज्तिमाई तकरीबात के जरिए 700 जोड़ों की शादियां कराई हैं। ये भारत के लिए जम्मू से अशफ़ गनाई की।